नालंदा जिला के थरथरी थाना के रूपन बिगहा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देख दोनों को कुदाल से काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान रेखा देवी और हिलसा के धर्मपुर निवासी निशांत कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल हत्यारे पति की तफ्तीश पुलिस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। फिलहाल मामले की पड़ताल चल रही है। वहीं डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या हुई जिसमें एक औरत है सबलू यादव की, पत्नी है रेखा देवी, और रेखा देवी के मायके धर्मपुर जो कि हिलसा थाने में है वहीं का एक लड़का है निशांत कुमार। तो उसी संबंध में अगर कार्रवाई किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग लग रहा है, बाकी अनुसंधान की बात। पुलिस का निशान तो ही चला कि दोनों का मर्डर किया हुआ, कुदार से काटा हुआ है। किस लिए? अब किस लिए वो तो आज जांच के विषय बनता। तो क्या माने शुरुआती दौर में क्या चला पता? शुरुआती दौर में तो पता चला कि भाई भोर में 6 बजे से बात हुआ है, उसके बाद से फोन उसका बंद है, कहाँ है नहीं है। जब मालूम चला कि फलने जगह पर इसमें मर्डर हो चुका है, कुदार से काट दिया गया। लड़का लड़की एक रूम में, दोनों सामने सामने पड़ा हुआ है, दोनों के बगल में काटा हुआ है दोनों। तो मैं लड़की शादीशुदा है क्या? हाँ शादीशुदा है, बच्चे वाला है। तो पता चला कि प्रेम प्रसंग का बात शुरुआती दौर में चल रहा है पता? नहीं, प्रेम प्रसंग की बात नहीं है, उसका पति से कुछ मैंने की चल रहा था, अनबन पति से अनबन चल रहा था।